लग रही है। नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं इसके दिमाग से 25 मई ये वो तारीख है जो 2013 के बाद से हर साल अपने साथ एक ऐसी घटना की याद दिलाती है जो शायद इतिहास के पन्नों में लंबे समय तक स्याह अक्षरों में दर्ज होगी। 7 साल पहले हुई इस बड़ी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। 25 मई 2013 की शाम को बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था जिसमें 32 लोगों को एक साथ ढोल दिया गया था। मरने वालों में ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। आज इसी दर्दनाक झीरम कांड की 7वीं बरसी है। इसे अगर बेबसी की बरसी कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल आज भी इस जघन्य हत्याकांड की कई सच्चाइयों से पर्दा नहीं उठ सका है। इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या वजह थी ये अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल ये भी है कि झीरम घाटी हत्याकांड के राज से पर्दा उठाने के लिए प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी को जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं मिल रही है। ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जीत के लिए जतन शुरू हो चुके हैं। सत्ता के संग्राम में आज हम बात डबरा की करेंगे। इस सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। कोई कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से ऑनलाइन कांटेक्ट कर रहा है तो कोई टिकट के लिए भोपाल तक दौड़ लगा रहा है। कुछ नए चेहरों ने तो भोपाल मुख्यालय तक अपने बायोडाटा भेज दिए हैं और उपचुनाव में लड़ने के लिए टिकट की मांग करनी शुरू कर दी है। भाजपा की ओर से तो हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर शामिल हुई इमरती देवी की मजबूत दावेदारी है जबकि कांग्रेस में कई नेता कतार में लगे हैं। वहीं सबके बीच चुनाव को लेकर पार्टियों ने सर्वे के जरिए लोगों का मन टटोलना भी शुरू कर दिया है। खैर डबरा उपचुनाव कितना दिलचस्प रहेगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां झीरम घाटी हत्याकांड के 7 साल पूरे हो गए हैं और इसे बेबसी की बरसी ही कह सकते हैं। तो झीरम घाटी नक्सली हमले की आज 7वीं बरसी है और इस मौके पर एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं जो बीते 7 बरस से उठते आ रहे हैं। नक्सल हमले में मारे गए नेताओं को क्या न्याय मिला? क्या इस घटना के पीछे का सच सामने आ सका है? क्या वाकई ये एक राजनीतिक सुपारी हत्याकांड था? एनआईए की जांच पर आखिर क्यों नहीं है राज्य सरकार को भरोसा? भूपेश सरकार को क्यों नहीं मिल रही है जांच कराने की जिम्मेदारी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चले पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नजारा रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का है जहां सोमवार को झीरम नक्सल हमले की 7वीं बरसी मनाई गई। सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्रियों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झीरम घाटी की 7वीं बरसी पर नक्सली हमले में जान गंवाने वाले अपने नेताओं को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेताओं को याद करते हुए कांग्रेसियों की आंखें नम थी, लेकिन मन में वही सवाल थे जो 7 बरस पहले से उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में एक बार फिर एनआईए की भूमिका पर सवाल उठाए। दूसरी ओर विपक्ष ने झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर सरकार को ही आड़े हाथों लिया। उस षड्यंत्र से पर्दा उठा नहीं है, सब लोग उसे जानने के इच्छुक हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि अनेक बाधाएं हैं और उन बाधाओं को हम लोग दूर करेंगे और सच एक दिन सामने आएगा। कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस समय कहते थे कि झीरम के सबूत तो हम जेब में लेकर घूमते हैं, वक्त आने पर बताएंगे। तो क्या वो वक्त आया भी? झीरम पे राजनीति तो हो रही है, कौन कर रहा है वो जनता जानती है। झीरम घाटी हत्याकांड के 7 बरस पूरे होने के बाद भी सवाल तमाम है। बड़े नक्सल हत्याकांड की असल कहानी क्या है ये तो न अब तक एनआईए पता लगा पाई है और न ही प्रदेश की मौजूदा सरकार।
हाँ, इस हत्याकांड में कुछ बड़ी शिद्दत के साथ हुआ है तो वो है राजनीति। झीरम घाटी हत्याकांड में 2013 से लेकर अब तक सिर्फ सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन सच कब सामने आएगा ये सवाल जस का तस बना हुआ है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिपाली की रिपोर्ट। तो बीबीसी की बरसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं किरणमयी नायक जी। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और स्वराज एक्सप्रेस के हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत भार्गव जी, आप लोगों का स्वागत। किरण जी, पहले एक छोटा सवाल आपसे ही है, क्या एनआईए की जांच पे भरोसा नहीं है? देखिए, एनआईए की जांच पर भरोसा नहीं है ये सवाल भी बड़ा आज की तारीख में बेतुका सा हो गया है। एनआईए ही जांच कर रहा है लगातार, क्या नतीजा निकला अब तक है? जी, किनको दोषियों को पकड़ा उन्होंने, किनके खिलाफ चालान पेश किया जी? आज तक क्या कार्रवाई हुई जी? जो आयोग गठन हुए उनमें क्या कार्रवाई हुई जी? ये सब देख रहे हैं जी। ये तो देखिए, जिस दिन घटना हुई थी, बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है, जिस समय हमारे नेताओं के मारे जाने की खबर भी नहीं आई थी जी, उस समय देश के तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने श्रद्धांजलि भी दे दी थी। मतलब कहीं ना कहीं इन सारे नेताओं को नीचे से लेकर ऊपर तक के इस घटनाक्रम में मारे जाने वालों की सूचना हो गई थी जी। फिर उन्होंने जिस तरीके का उस समय संवेदनशीलता दिखानी थी वो नहीं दिखाई जी। किरण जी, उसके बाद से लगातार राजनीति जी बोलिए। हमारा कहने का मतलब, संवेदना जिस करते तरह आ रहे हैं, हाँ। जिस तरह संवेदना दिखाई जानी थी नहीं दिखाई। खैर, एनआईए की जांच एजेंसी कब तक जांच करेगी अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष ही कह रहा है कि आप लोग कह रहे थे कि सारे सबूत आप लोगों के पास है, राज्य सरकार जांच नहीं करा रही या अन्य कोई कारण हो सबूत, तो क्या आप लोगों ने एनआईए को जो आप लोगों के पास सबूत थे वो प्रस्तुत किया है क्या, एनआईए की से समय लेकर के दिया है क्या? देखिए, एनआईए की जांच के लिए तो हमारी अभी सरकार ने पहले भी उसके ऊपर विश्वास नहीं था जी, एनआईए की जांच पर जी, और पहले भी उनके पूरे टाल मटोल के रवैये को देख चुके हैं जी। इसलिए हमारी सरकार इस पर एसआईटी का गठन करके जांच करना चाह रही थी, जिसके लिए भी जी, अब तक के वहाँ से अनुमति नहीं मिली, वहाँ से फाइल नहीं मिली, क्यों नहीं दे देते हैं जी? यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है जी, तो आपको ये फाइल देने में क्या प्रॉब्लम है जी? कई बार चिट्ठी लिखी गई है जी, आप यदि जांच करने में अक्षम हैं जी, और आप 7 साल में कुछ नहीं कर सके हैं जी, तो ऐसे स्थिति में जी जी, यदि आप फाइल राज्य सरकार को लौटा दें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? बिल्कुल प्रॉब्लम क्यों नहीं लौटा रहे हैं जी? मतलब इनका इंटेंशन साफ है, ये पूरे मामले की लीपापोती करके सारे साक्ष्यों को, दस्तावेजों को नेस्तनाभूत करना चाहते हैं जी, गवाहों को नष्ट करना चाहते हैं जी जी। यही कारण है जिनके ऊपर विश्वास नहीं है जी, जिन्होंने 7 साल में कुछ नहीं किया, तो अब उनसे किसी भी तरह के जांच की, निष्पक्षता की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। जब किरण जी, कोई राष्ट्रीय एजेंसी चाहे सीबीआई हो चाहे एनआईए हो, जब ये जांच करती है तो राज्य की अपनी जांच एजेंसी कोई भी होती है वो अपने आप में खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जांच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एनआईए अभी जांच कर रही है तो कैसे आपको सौंप सकती है? देखिए, सवाल ये है कि एनआईए को जांच करने के लिए क्या कोई टाइम लिमिट नहीं होता, पहला सवाल जी। पुलिस भी यदि किसी मामले की जांच करती है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान होते हैं, 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना, लंबे समय में जी। पर ये ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत रेस्पॉन्सिव है, पर उसके बाद में 7 साल में उसका नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात जी, बिल्कुल। 7 साल में जो एजेंसी कुछ नहीं कर पाई जी, जो किसी दोषी को आज तक पकड़ नहीं पाई जी, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो आपका सीधा आरोप है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई और षड्यंत्र है जिसके तहत आपके शीर्ष पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसे समाप्त कर दिया, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है?
जी जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है जी। चलिए मनोज जी, निश्चित किरण जी अगर कह रही हैं कि 7 साल हो गए हैं, खैर केदार जी आ गए हैं। केदार जी, आपने किरण जी की बात सुनी होगी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। किरण जी की बात सुनी होगी, बात भी सही है कि 7 साल हो गए एनआईए, एनआईए यानी केंद्र की एजेंसी है, तो अभी तक निष्कर्ष क्यों नहीं निकला है और नहीं निकाल पा रही है? तो अगर इनकी डिमांड है, इनकी मांग है, राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार आ गई है, तो आप इनको सौंप दें, और नहीं सौंपते हैं तो मदद की बात करें कि हाँ आपकी भी मदद चाहिए। पहले तो झीरम घाटी में हमारे साथी कांग्रेस के नेता जिनकी नक्सलवादियों ने हत्या कर दी, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और पूरी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। हम कभी भी इसमें राजनीति करना नहीं चाहते, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में जब झीरम की घटना हुई, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और एनआईए केंद्र शासन के अधीन होता है, और जब 1.5 साल तक जांच चलती रही तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और केंद्र के कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि कौन कौन का बयान होना चाहिए, किस किस को बयान देना चाहिए। एनआईए ने जांच की, एनआईए ने तय किया इनके इनके गवाह होना चाहिए, तो क्या उस समय इन लोगों ने बयान नहीं दिलवाया? क्या जब केंद्र में एनआईए की पूरी पकड़ थी और वहीं से डायरेक्शन में चल रहा था, तब मेरी बड़ी बहन माननीय किरण जी ये बात को अच्छे से जानती हैं कि एनआईए के समय जो गवाहियां उस समय हुई या जो साक्ष्य उस समय दिए या जो बयान जिस समय दिए गए, वो बयान क्या कांग्रेसी नेताओं के उस समय नहीं दिए गए? क्या वो नए कांग्रेसी नेता आ गए जिनका बयान ये दिलवाना चाहती हैं? पहली बात। दूसरी बात कि इनके बड़े बड़े नेता जिनका नाम आप भी जानते हैं, समाचार पत्रों में छपा है, चुनाव के पहले, इस विधानसभा चुनाव के पहले 2018 के कहते थे कि झीरम घाटी के सबूत हमारे जेब में है, समय आने पर बताएंगे। तो ये क्या है, कौन सा समय चाहिए? और अब कहते हैं कि सबके बयान नहीं हुए, हमारे कांग्रेसी नेता और बयान देना चाहते हैं, इनकी सरकार थी तो बयान नहीं दिए, अब फिर छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है तो नए नेता बयान के लिए पैदा हो गए, और जो नेता चुनाव जीतने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, आज तक वो सबूत क्यों सामने नहीं आया, इस बात की मांग करती है। किरार जी, किरार जी, किरार जी, इसलिए दिया था यह बयान किरार जी, नेताओं का अपना कहना है, ठीक है, नेताओं ने कहा कि मेरे जेब में है सबूत, वो नहीं प्रस्तुत कर रहे, लेकिन जांच एजेंसी का क्या काम है? ठीक है, मनमोहन जी की सरकार थी तो 6 महीने में ही नहीं आ पाई, लेकिन आपकी तो है 6 साल से, तो अभी कोई लिमिट होनी चाहिए एनआईए की कि नहीं? और सबूत बयानों पे नहीं है, सबूत और भी दूसरी जांच, दूसरी तरह की जो जांच होती है उस पर निकलते हैं, बयानों पे कभी सबूत नहीं निकलते। नहीं, आज जो कांग्रेस ने आरोप लगाया वो यही लगाया कि हमारे हमें नेता और बयान देना चाहते हैं, उनका बयान नहीं ले रही, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अगर उसका बयान नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे के अपना बयान दे सकते हैं। अगर ये राजनीति करना चाहते हैं, जैसी पहली इन्होंने राजनीति की चुनाव के पहले कि झीरम में राजनीतिक षड्यंत्र बना दो, और षड्यंत्र खुद किया होगा शायद, तभी तो सबूत नहीं दे पा रहे, और उसके बाद आज एनआईए को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनआईए विश्वस्त संस्था है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, ये स्वतंत्र संस्था है जो अपना काम करती है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अंदर में होती है, पर जांच एजेंसी है जो लगातार काम कर रही है। क्या 65 वर्षों में जब कांग्रेस ने शासन किया तो एनआईए और सीबीआई पर ऐसे ही सवाल उठाते थे? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीति षड्यंत्र है, और बहुत वजनदार। कोई एक कार्यकर्ता ने यह बयान नहीं दिया था कि मेरे जेब में सबूत है झीरम घाटी के और मैं समय पर बताऊंगा, बहुत वजनदार व्यक्ति ने दिया था जिसको हम सब जानते हैं, समय आने पर ये चीजें सामने आनी चाहिए। आज कहाँ है वो चीज, क्यों नहीं आ रही है? एनआईए पे दोषारोपण कर रहे हैं, एनआईए ने कुछ लोगों का नाम सामने लाया है जो नक्सलवादी थे, उनके नाम पर दर्ज है, और एक दो लोगों की काउंटर एनकाउंटर भी हो चुका है। तो निश्चित रूप से एनआईए काम कर रही है, और प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस को उनका पूरा साथ देना चाहिए। तो साथ मांग कहाँ रही है एनआईए? खैर, किरण जी कुछ बोलना चाह रही है। किरण जी, एक तरह से केदार जी सीधे तो नहीं पर परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि खुद राजनीति, खुद षड्यंत्र किया है कांग्रेस ने अपने नेताओं को मरवाने के लिए। देखिए
देखिए ऐसा है, ये तो जो भी चाहे वो मन में कह सकते हैं और बोल सकते हैं और चिल्ला सकते हैं जी। सवाल इस बात का है, इन्होंने पहली बात की कहाँ से शुरुआत की कि जिस समय घटना हुई थी उस समय केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी जी। मई में घटना हुई थी जी। यूपीए की गवर्नमेंट जो थी उस बीच में दो चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, और 2014 मई में तो इनकी सरकार आ चुकी थी। अब इनको एक चीज और नहीं मालूम कि केवल गवाहों के बयान से नहीं होते, सबूतों से भी होते हैं और इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी हैं उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर भी होता है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरा नियंत्रण में ये पूरा कारोबार चला है लगातार। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट के समय का काम नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि लगातार चुनाव चले हैं और उसके बाद से इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी और ये चाहते ही नहीं थे कि इसकी जांच हो। तो ये मान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी और मंत्री थे उनका निकम्मापन और नाकारापन था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों को कह रही हूँ कि आज 7 साल में एनआईए पूरी तरीके से फ्लॉप रही, केवल और केवल खाना पूर्ति करते रहे, कभी ये चालान कभी पूरा चालान कभी कुछ और, कभी न्यायिक आयोग कभी कुछ और, परंतु इसका निष्कर्ष निकलने देना ही नहीं चाहते थे। जो मैंने आपसे पहले कहा था, जिस समय घटना हुई थी जब लोगों को मालूम नहीं था कि कौन कौन मारे गए हैं, उस समय वहां पर बैठे इनके सारे शीर्षस्थ नेता श्रद्धांजलि तक दे चुके थे राजनाथ सिंह जी। ऐसी स्थिति में आप क्या मानेंगे? ये तो प्राइमस ऐसी बताता है कि इनका षड्यंत्र में हाथ था, और षड्यंत्र में हाथ था इसलिए आज इनका 6 साल का कार्यकाल है, उसमें ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जांच को होने नहीं देना चाहते, और इसलिए राज्य सरकार की मांग पर ये फाइलों को देना भी नहीं चाहता। अरे आप बाहर लेना कि नकारना नकार केंद्र की अपनी अलग इंटेलिजेंस होती है, उनको सूचना मिल गई होगी। ऐसे में तो जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने अगर श्रद्धांजलि दे दी तो उन्होंने षड्यंत्र करके भेजा और उनको मैसेज पहुंच गया कि हाँ ओके ऑपरेशन सफल रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा तो संभव नहीं है। खैर तो क्या उसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा, क्या मीनिंग निकाला जाएगा? मतलब राज्य की अपनी इंटेलिजेंस थोड़ा लेट हो गई होगी, केंद्र की। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को नहीं मालूम था, उस सरकार को नहीं मालूम था, और वहाँ दिल्ली में पता चल गया। कैसे आप मान लेंगे कि इनको पता नहीं था और इनकी भूमिका नहीं थी जी। और ये लोग जब दिल्ली में बैठे हुए और एजेंसी जांच करने वाली वो है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सबूत को दिया जाएगा तो उसकी क्या प्रामाणिकता है? क्यों नहीं पांच सेकंड चाहिए मुझे जी, 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 बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। किरण जी एक मिनट, किरण जी हालांकि जांच राष्ट्रीय जांच आप पुरानी बातों में गई हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा मन नहीं था, बहुत मन दुखी होता है वो बात याद करने में। हमारा भी सवाल चाहता हूँ, पटेल कौन है, नक्सलवादी क्यों पूछ रहे थे, ये महेंद्र कर्मा कहाँ है, ये नक्सलवादी क्यों पूछ रहे थे, जिस रोड से आना था वो रोड का रास्ता क्यों बदल दिया गया, उस दिन हेलीकॉप्टर में आपके कौन से पुराने नेता घूम रहे थे जिनका मार्गदर्शन स्टेज पर जो बता रहे थे लोगों को, ये देखो पहचानो ये है, उसकी कहानी भी तो जरा बताइए। आप अगर षड्यंत्र पर पर्दा डालना चाहेंगी तो षड्यंत्र से पर्दा फाश होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को पुरानी कहानी कांग्रेस पार्टी की याद है, एक एक चीज याद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट था, जब एक आज जो विधानसभा अध्यक्ष है वो उनसे पूछने गए तो उन्होंने उनको क्या कहा था? आप उसमें राजनाथ सिंह जी और उसमें मत जाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बातों का जवाब है आपके पास? क्या ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है? क्या यहाँ से राजनीतिक षड्यंत्र नहीं दिखाई पड़ता? निश्चित रूप से हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता चाहता है कि हमारे जो कांग्रेसी भाइयों की हत्या हुई है, झीरम में जिनकी हत्या कर दी गई है, उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और वो पकड़ाई में आना चाहिए। पर जिनके पास जेब में सबूत है वो जेब से कब निकलेगा? केदार जी, जैसा अगर किरण जी कह रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है, आपने कहा उस पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन आप लोगों ने मैं भी कहना चाहूंगी एनआईए के बाद मनोज जी भी जानते हैं कि पुलिस के पास फाइल थी,
क्या पुलिस के पास फाइल नहीं थी? फिर उसके बाद फिर से ऑर्डर हुआ कि एनआईए जांच करेगी। जब पुलिस के पास इसकी फाइल थी उस समय का जरा आप पूछ लीजिए कि पुलिस क्या कर रही थी। चिरार की यही केंद्रीय जांच एजेंसियों के एनआईए के पास थी, एनआईए ने पुलिस को फाइल वापस दे दी। फिर से ऑर्डर हुआ कि फिर से पुलिस से फाइल ली गई और उसमें भी पुलिस ने विलंब किया फाइल देने में, उसका कारण बता दीजिए क्या कारण था। चलिए हम पूछ लेते हैं किरण जी से, लेकिन केदार जी इन्हीं केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। के पास फाइल थी में आकर के एनआईए स्वीकार कर लिया, एनआईए भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और पूरा निकम्मे और नकारा सरकार थी। एनआईए के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के पास फाइल जा चुकी थी, मनोज जी भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास फाइल थी, फिर उन्होंने क्या काम किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने? किरण जी, किरण जी काम किया आपने, और जब वो काम नहीं कर रहे थे तब एनआईए को फाइल वापस गई है। किरण जी, किरण जी, किरण जी, मैं आग्रह करूंगा कि क्या आप बताएं एक पुलिस के पास फाइल थी कि नहीं थी? चलिए एक मिनट, फाइल थी कि नहीं थी? किरण जी, किरण जी, मैंने बारंबार मांगा फिर भी पुलिस से फाइल एनआईए। किरण जी एक मिनट, किरण जी आप बार बार मनोज जी का नाम ले रहे हैं, बार बार मनोज जी का नाम ले रहे हैं। पकड़े जाए मनोज जी से ही टिप्पणी ले लेते हैं, लेकिन जहां तक बात इस सवाल का है, किरण जी आपने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पे उंगली उठाना अनुचित है। इन्हीं केंद्रीय जांच एजेंसियों में समझौता ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, इन मामलों को लेकर के आप लोगों ने कितने अधिकारियों तक में सीधे उंगली उठाई है, ये आप लोगों ने भी उठाई थी। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी अगर थोड़ा सा लगता है पार्टियों की गलत तरीके से या ढीला हवाली हो रही है तो एजेंसी में जांच उठना तो स्वाभाविक है। मनोज जी क्या कह रहे हैं, केदार जी बार बार बात सही है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि 7 साल हो गए हम चलान तक प्रस्तुत नहीं कर रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, और अगर एनआईए राज्य सरकार को सौंप देती है तो क्या पकड़ लेंगे सही ढंग से? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जिस जगह पर ये पूरी हत्याकांड हुई थी वो जगह बहुत ही दुरूह जगह थी और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई, हालांकि बहुत सारी चीजें जैसा कि उस घटना के बाद सामने आई कि वहां पर जो उस दिन सभा हुई थी उस सभा में जो है सभी का नाम लेकर पुकारा गया कि ये हैं, ये हैं, फिर जिस तरह से वहां पर घटना स्थल पर बात आई और जिस तरह यहाँ पर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार थी, चुनावी वर्ष था, ये तमाम चीजें जुड़ रही थी और उसके आधार पर उस समय ये जरूर लग रहा था कि हो ना हो एक साथ 32 जो कांग्रेसी नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, प्रथम पंक्ति के जो भी नेता हैं वो मारे गए, तो जो पूरा परिस्थिति जन्य जो चीजें थी वो इस ओर इशारा करती थी कि वो एक राजनीतिक हत्याकांड हो सकता है। लेकिन जिस जगह पर ये घटना हुई थी और जैसा कि बाद में उधर से भी नक्सलियों की भी विज्ञप्ति आई कि चूंकि वो बहुत दिनों से महेंद कर्मा को खोज रहे थे उनके सलवा जुड़ूम आंदोलन के कारण और उनको इनपुट मिला था कि जो है महेंद कर्मा इसी रास्ते से आ रहे हैं और उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई, तो नक्सलियों ने एक तरफ से जो उस समय विज्ञप्ति जारी की थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि महेंद कर्मा को खोजते खोजते उनसे ये हो गया कि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो जो है चीजें, परिस्थितियां जो है वो कई तरह की थी, कोई बहुत स्पष्ट सबूत मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि कोई सबूत हाथ लगे हैं एनआईए के, और यही वजह है जो मुझे लगता है कि अभी तक इस मामले में लगातार बीच बीच में सुनवाई होती है, बयान लिए जाते हैं, गवाहियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट नतीजे पर जो प्रस्तावित रास्ता था उसको क्यों बदला गया था, ये थोड़ा संक्षेप में। देखिए रास्ता तो जो जहां पर सभा थी उसके चाहे जिधर से भी आते जो है उधर से खतरा ही था। वो इलाका ऐसा है कि वहां पर जगदलपुर से जैसे ही 10 किलोमीटर आगे जाते हैं दक्षिण की ओर तो वहां पर सभी रास्तों में खतरा था, लेकिन ये बताया गया था कि जिस रास्ते से आने वाले थे वो केवल सावधानी वश जो है उसको बदला गया था। हालांकि उसमें अलग अलग तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई लगता नहीं कि कोई नियोजित तरीके से किसी के कहने पे रास्ता बदला गया। बिल्कुल मनोज जी, वैसे दाल में तो काला है, कहीं दाल ही पूरी काली है, क्योंकि एक कांग्रेस के एक और नेता को छोड़ दिया गया था
बाकी को सबका कत्लेआम हो गया था, एक नेता छोड़े। किरण जी आप कुछ कहना चाह रही है? एक हम संक्षेप में टिप्पणी ले लेते हैं भार्गव जी, भार्गव जी बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी आखिर है क्या? देखिए ऐसा है, जहां तक एनआईए एजेंसी का सवाल है तो यूपीए सरकार में एनआईए एजेंसी के पास जांच गई, यूपीए सरकार की ड्यूटी थी कि उसकी समय सीमा तय करना थी, नहीं की। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में थी जब घटना हुई थी, तो जब पुलिस के पास यहां फाइल थी उस समय भाजपा की जिम्मेदारी थी कि उसकी समय सीमा तय करती, उसकी असलियत पता लगाती। और आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस घटना को 7 वर्ष हो गए, तो भाजपा की सरकार को चाहिए, चूंकि एनआईए एजेंसी भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कि वो उसकी समय सीमा तय करे, क्योंकि शीर्ष स्तर के नेताओं का उसमें कत्लेआम हुआ था। और दूसरी बात यह है कि रास्ता बदलने की जहां बात है, ये सुनियोजित एक षड्यंत्र लगता है, क्योंकि अगर रास्ता सावधानीवश बदला गया था तो इस रास्ते में विस्फोट क्यों हुआ, इस रास्ते में कत्लेआम क्यों हुआ, और उस रास्ते में क्या कोई विस्फोटक सामग्री मिली या कोई ऐसा गतिविधियां दिखी कि वो लोग कत्लेआम कर सकते थे। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है, और आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी की जाए, दोषियों को सामने लाया जाए, सबूत जो है उनको जाहिर किया जाए, इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ नहीं होगी। किरण जी क्या कहना चाह रही है? देखिए इसमें बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस समय वक्तव्य दिए गए और ये बताने की कोशिश की गई कि रास्ता बदला गया, उसके बैकग्राउंड में जो चीज है वो आप सबको जानकारी है कि हमारे पूरे नेताओं की परिवर्तन यात्रा में सारी सुरक्षा को हटा लिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। क्यों? आपको सबको रोड ओपनिंग पार्टी देनी पड़ती आरोपी, और जब इतने सारे नेता जा रहे थे आपने एकाएक पूरी रोड ओपनिंग पार्टी क्यों हटा ली? आपने रोड ओपनिंग नहीं की, आपने वापस सुरक्षा नहीं दी, और आपने वो एक बहाना गढ़ा था कि इन लोगों ने एकाएक रास्ता बदला। पूरी भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे षड्यंत्र में हाथ था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने उस समय सारे नेताओं की, यहाँ तो आज एक विधायक जाता है उसके लिए रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उसकी सुरक्षा होती है, और उसके बाद यहाँ पर जब 32 लोग मारे गए हैं एक भी सुरक्षा नहीं था, उस मुद्दे पर जांच आज तक नहीं की गई है, और उस समय जो लोग जिम्मेदार पदों पर थे आज उनके खिलाफ भी बहुत सारे मामलों में जांच चल रही है, सबकी कहीं न कहीं मिली जुली सहभागिता थी। इशारा कर रहे हैं आपकी ही पार्टी से जुड़े षड्यंत्र के तरह, इशारा कर रहे हैं आपकी ही पार्टी से जुड़े लोग सारी सुरक्षा हटाई थी, सुरक्षा दी ही नहीं थी हमारे नेताओं को, इतनी बड़ी यात्रा थी इस पूरे मुद्दे पर अपने बला टालने के लिए इन्होंने केवल और केवल बयानबाजी किया था, शिगुफे छोड़े थे और कुछ नहीं किया था। किरण जी सवाल तो सुनिए, किरण जी कुछ कहना चाह रहे तो बदला गया जी। किरण जी एक मिनट आ रहा हूँ, रिकॉर्ड है, किरण जी एक मिनट आ रहे हैं, किरण जी बात आ रहा है, किरण जी, किरण जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से ही जुड़े किन्हीं नेताओं का षड्यंत्र था, सीधे सीधे कह रहे हो। देखिए सवाल ये है कि ये यदि षड्यंत्र था तो आपने अब तक टांग देना था, क्यों नहीं टांगा आपने? आप निकम्मे थे, आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, आपकी जांच एजेंसी नकारा थी। मान लीजिए कि आप केवल और केवल असल षड्यंत्रकारियों को बचाने के लिए केवल और केवल बयानबाजी का सहारा लेकर के इस मामले को लिंगर ऑन करने में अपनी ताकत लगा के रखे हैं। आपके केंद्र में सरकार, आपके छत्तीसगढ़ में सरकार 2014 से लेकर के 2018 तक के छत्तीसगढ़ में सरकार और अब तक के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, फिर क्यों आप निकम्मे और नकारा साबित हुए? आपने क्यों नहीं खोला? जो जिसकी भूमिका थी आपको कर देना था, उसी को मुजरिम बना देना था। बिल्कुल केवल बयानबाजी करके डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, इसीलिए एनआईए के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए एनआईए के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए अब हमारी सरकार चाहती है कि ये फाइल लौटाई जाए। जी बिल्कुल किरण जी, किरण जी बात सही है, मुद्दा यही है कि आपकी राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी, और आप खुद कह रहे हैं कि हो सकता है, लगभग कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के नेताओं का जुड़ा इसमें हाथ हो सकता था, तो आपने क्यों नहीं उनको उनका नाम ओपन कर दिया? देखिए अगर कोई बात शक की सुई वहां पर घूमती है
तो इन्वेस्टिगेशन में जब तक वो चीजें साक्ष्य के बतौर नहीं आती हम उस चीज को नहीं कह सकते। हम तो इशारे में बहुत सारी बात कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। मैं इसको क्रमानुसार फिर से कहूंगा, जो आज मेरी बात पर आपने ध्यान दिया मैं धन्यवाद भी कहूंगा और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी धन्यवाद कि जो रास्ता बदला गया सबसे बड़ा विषय। दूसरा, मंच में एक एक व्यक्ति को खड़े करके कि ये पटेल जी हैं देख लो, ये सब पहचानना बताना क्या कारण था इसका। हेलीकॉप्टर में उस दिन कौन उड़ रहा था, और मैंने एक बड़ी बात कही तो 5 साल में आप उनको पकड़ लेते हैं। पुलिस को सौंप दी थी अभी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं कुछ कर लिया। एनआईए ने तो डबल फाइल इनसे मांगी और 3 महीने हील हवाला करने के बाद इन्होंने एनआईए को फिर से फाइल दी है। तो 3 महीने वो फाइल के ऊपर बैठे हुए थे क्या? क्या ये भाजपा कांग्रेस का ही खाली इश्यू बना लिया है? क्या पांच साल में आप उनको कांड का खुलासा हो, वो पुलिस क्या कर रही थी 4 महीने फाइल अपने पास, 6 महीने फाइल रखे? किरार जी जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनको बेनकाब कर देते ना 5 साल में कर लेगी। तो क्या एनआईए की पहली जांच के पास पुलिस के पास फाइल नहीं थी? भाई वो भाषण, जिस भाषण के दौरान ये कहा गया ये फला नेता है, फला नेता है, जब इन्होंने 3 महीना लेट नहीं किया तो आप 5 साल में उनको उनका नकाब उतार देते ना कि इन्होंने क्या किया है जो अपने स्पीच के दौरान सबको पहचान करवा रहे थे। देखिए सीधी बात है, एनआईए की जांच फिर से ऐसा लगा करनी है, पुलिस ने पता नहीं क्यों 3 महीना फाइल अपने पास रोक रखी, एनआईए के पत्राचार के बावजूद पुलिस ने फाइल नहीं दी और आज ये कह रहे हैं एनआईए पुलिस को फाइल वापस दे दे। और मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी सारी नक्सलवादी की घटनाएं हुई, किस नक्सलवाद को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया? अभी मारे गए लगातार 2 से 3 से 4 घटनाएं हो गई और कहां पर आपने खड़ा कर दिया वो तो पुलिस देख रही है आपकी। आपने किस कोर्ट में नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, कहां पकड़ कर ले आए बताइए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बार बार जो कह रहे हैं निकम्मापन है, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। लेकिन सरदार जी ये तो मानना पड़ेगा आपको, नक्सलवाद ये तो मानना पड़ेगा हुआ ये 2002 तक क्या कर रहे थे सरदार जी, ये तो मानना पड़ेगा आपको। मुझे ये शब्द कहना अच्छा लगता है पर मजबूरी है, जैसा मन है वैसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। सरदार जी ये तो मानना पड़ेगा कि एक इंटेलिजेंस भी होती है, राज्य सरकार की भी होती है इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं फेलवर था राज्य सरकार की जो गुप्त शाखा है कि आखिर ये घटना घटित हो सकती है, रोका जा सकता था। क्या आपकी इंटेलिजेंस ने रोका था कि आगे मत जाओ? मानते हैं उसको कि इंटेलिजेंस कमजोर था और घटना घटी है जी। भाई इंटेलिजेंस ने कोई इतला नहीं दी थी कि घटना हो सकती है। लापरवाही की भी हद है ना, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि जहां से रोड बदला गया तो पहले रोड में कोई बारूदी सुरंग मिला क्या? नहीं मिला जी। दूसरी रोड में ये सब घटनाएं हुई जी। तो कैसे हुई? तो षड्यंत्र था, निश्चित रूप से षड्यंत्र था, और राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठकर हमारे साथियों की जो हत्या हुई है, हमारे कांग्रेस के भाई नेताओं की, निश्चित रूप से उनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि झीरम का सच सामने आना चाहिए, हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल किरण जी, समय समाप्त हो गया, अगर आपको कहना बहुत संक्षेप में अपना उत्तर दे दीजिए, बहुत समय समाप्त हो गया जी। देखिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा इंटेलिजेंस फेल्योर था, और दूसरा थी षड्यंत्र। मुझे बोलने नहीं दीजिए, दूसरा षड्यंत्र इनका था, आरोपी कैंसिल किया गया। देखिए बहस के नाम चली जा रही है, समय समाप्त हो गया। किरार जी उनकी बात आ जाने दीजिए, जिनका नाम ले रहे हैं, नाम पहचान उनके साथ बी टीम बना करके सरकार बनाने का षड्यंत्र था। बी टीम बना करके बी टीम के सहयोगी के रूप में उनका उपयोग करते रहे। आप एक तरफ उंगली उठाते रहे, दूसरी तरफ उनका राजनीतिक फायदा लेते रहे, तो कुल मिलाकर के राजनीतिक षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका स्वमेव साबित होती है। और इसको बच्चे बच्चे जानता है, चाहे आपकी बात हो चाहे किरार जी की बात हो, नेताओं की शहादत, दोनों लोगों का इशारा जिस तरफ है, पार्टी के लोगों का, किरण जी आपका भी इशारा जहाँ है, किरार जी का भी इशारा जहाँ है, सबको मालूम है। लेकिन
जिस तरफ इशारा हो, किरण जी आप भी वही इशारा कर रही हैं, केदार जी भी वही इशारा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इन 7 सालों में उनको बेनकाब क्यों नहीं किया गया? सवाल यहाँ ये है, मुद्दा यहाँ ये है। हमारा समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका, केदार जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक और नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला समेत 32 जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना को भले ही 7 साल हो गए हो, लेकिन इसके जख्म आज भी पूरी तरह से हरे और ताजा। इस घटना की जांच लंबे समय तक अटकी रही और फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसकी जांच फाइल दोबारा खोली गई। इस घटना में कुछ नक्सली लीडर के नाम सामने आए, जिन पर एनआईए ने भी नकद इनाम की घोषणा की है, लेकिन इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश नक्सली पकड़े नहीं गए। साथ ही अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये सिर्फ हमला था या इसके पीछे कोई साजिश थी। ये स्थिति तब है जब प्रदेश में बीते 1.5 साल से कांग्रेस ही सत्ता में है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद आप रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां कुछ समय बाद सत्ता का संग्राम होना है, लेकिन इसका रोमांच अभी से चरम पर पहुंच रहा है। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम।